और हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर के घर से हमारे संवाददाता इंद्रपाल सिंह मौजूद हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। इंद्रपाल, खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। अंजलि, मैं आपको बता दूं कि इटारसी से लगभग 20 किलोमीटर दूर छोटे से गांव जो चांदौन गांव है, उस चांदौन गांव में विवेक सागर एक भारतीय टीम का खिलाड़ी है और आज हम उसके गांव पहुंचे हैं। उसके गांव की जो सड़कें हैं वो सड़कें इस कदर सड़कों पर विवेक सागर खेलते खेलते और आज हॉकी का खिलाड़ी है और अब हम उनके घर में चलते हैं। उनका घर भी एक टीन सेट जैसा बना हुआ है और इस घर में करीब उनकी बहनें यहाँ पर रहती हैं। मेरे साथ उनके पिताजी हैं जो शिक्षक है और आज प्रदर्शन किया है, इसमें उनका क्या कहना है भाई, मैं उनसे जानता हूँ। और जिस तरह से टीम शुरू से प्रदर्शन करी वो देख कर लगता था गोल्ड मेडल आए, लेकिन जो भी लास्ट में हुआ तो क्या उम्मीद थी आपको विवेक से? विवेक से हमें तो उम्मीद गोल्ड की थी, क्योंकि जाने से पूर्व हुई हमसे चर्चा हुई थी, वो बताया था कि पापा हम गोल और गोल्ड के भूखे हैं और ये हम लेना चाहते हैं, लेकिन गोल्ड मिल गया लेकिन गोल्ड नहीं मिला, इसके लिए थोड़ा सा तकलीफ है, लेकिन भविष्य में अगले ओलंपिक तक गोल आएगा। टूटी हॉकी का क्या किस्सा है? टूटी हॉकी का किस्सा ये है कि ये अपने पास हॉकी खरीदने का शक्ति नहीं था, पैसे नहीं थे, तो उसके दोस्त लोग उसको टूटी हुई हॉकी कहीं से प्रोवाइड करते थे, जूते फटे हुए देते थे, जो खेल लेते थे उस टाइम को खेलता। जब विवेक गांव की सड़कों पर हॉकी खेलता था उस समय आप उसको पढ़ाई के लिए ज्यादा फोर्स करते थे, तो क्या कहते थे आप उससे और विवेक का क्या कहना रहता था उस संबंध में? मैं उसको पढ़ाई तरफ मोटिवेट करना चाहता था, डरता था, लेकिन वो पढ़ाई तरफ उसका ध्यान नहीं रहता था, वो हमसे छुप छुप कर भाग जाता था खेलने के लिए, उसकी रुचि खेल नहीं ज्यादा। अब क्या कहेंगे आप विवेक आज उल्लेख शिखर पर पहुंचे? अब तो बहुत खुशी का अंदर से खुशी हो रही थी, या जो विश्व लेवल पे मतलब प्रदर्शन दिखाया और इंडिया को कांस्य पदक दिलाया, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और अंदर से बहुत खुशी थी। मेरे साथ विवेक की माँ है, आइए उनसे जानते हैं कि विवेक की इस तरह से खेलते हुए क्या खुशी उनको महसूस हो रही है। क्या नाम है आपका? कमला देवी। कमला देवी जी, आज विवेक विश्व कैसे करके पहुंच गया है और क्या उम्मीद है आपको और आगे? आज अभी ओलंपिक में तो ठीक खेला, वो आगे और क्या उम्मीद है आपको? अभी तो अच्छा खेला लो, जो भी खेला हो वो सब अच्छा खेले लो और आगे का और देखना आएगा तो हम लोग फूलमाला से उसको स्वागत करेंगे, पूरा देश करेगा, मध्य प्रदेश से भी करेंगे लोग और हम चाहते हैं और आने वाला पल और अच्छा रहे। कैसा माहौल है आपके गांव में आज? माहौल तो बहुत अच्छा है, खुशी के माहौल है, इतना खुश है, हम लोग बहुत खुश हैं, सभी लोग खुश हैं। ठीक है, हमारे अपन डांस करने लगे हैं, डांस करते करते मतलब खूब मिठाई उठाई सब बांटने लगे, ढोल बाजा के साथ अपन डांस करने लगे। विवेक के कोई रोचक किस्से हैं जो जब वो गांव में आता था? गांव में तो यहाँ मतलब हम लोग रहते थे, वो एक राजेंद्र पटेल के नाम के लड़का है, वही ने शुरुआत की है उसको ले जाने के लिए, हम लोग मना करते थे, इसके पापा मना करते थे कि नहीं, शुरुआत की है उसको ले जाने के लिए, हम लोग मना करते थे, इसके पापा मना करते थे कि नहीं वो नहीं खेलेगा, वो बेचारा आएगा और बार बार कहेगा अस्सी जी जाने दो ना, पापा जी जाने दीजिए ना, तो भी मतलब छिपा के मर जाएगा, चला जाएगा, उसके पापा नहीं जाने देते थे। विवेक को जब डांटते थे तो मैंने सोची थी कि जाने मेरे को भी डांट पड़ती थी उसके चलते, तो बोल दूंगी कि कुछ भी बहाना बना देती थी।
निकल गया। अब कैसा लग रहा है? अब तो इतना अच्छा लग रहा है, खुशी से विवेक को टीवी पे देख के आपके आंसू में आंसू भी आ गए थे। अभी आज हम लोग खुश हो गए, सबसे ज्यादा भी मुश्किल होने लगे, अर्जेंटीना के खिलाफ विवेक ने जब एक गोल दागा था तब आपकी आंखों में आंसू बिखरे थे, कैसा महसूस कर रहे थे उस समय आप? क्या उम्मीद थी आपको विवेक से? उम्मीद थी कि गोल्ड लाएगा, लेकिन नहीं आ पाया था। मेरे साथ विवेक के भाई भी है, बेटे भाई है, उनसे हम बात करते हैं कि क्या कहना होगा बताइए। जो एक मिनट था उसमें पूरा मैच की कहानी जो थी उसको खत्म करके वो एक मिनट पर टिक गया था। अगर वहां पे इंडिया का गोल हो जाता तो हमको पेनल्टी में जाना पड़ता और उसके बाद क्या रिजल्ट होता कोई भी नहीं जान सकता था। तो बहुत ही अच्छा लगा कि सृजेश का बहुत ही शानदार सेव था, वो सेव के कारण हम पूरे 41 साल का दुखा दूर कर पाए हैं। तो बहुत बधाइयां देना चाहूंगा पूरी इंडियन टीम को, पूरे स्टाफ को और पूरे भारत को कि हमारा ओलंपिक में 41 साल बाद मेडल आया है। और सबसे ज्यादा प्राउड ये फील हो रहा है कि जो मेडल इंडिया टीम लेके आई है उसमें से एक जो प्लेयर है वो मेरा छोटा भाई विवेक सागर है। विवेक जब टूटी हॉकी से गांव की सड़कों पर हॉकी खेलता था जी, तो उस समय आप लोगों की आर्थिक स्थिति खराब थी, तो कैसे आप मैनेज करते थे? सर जब वो टूटी हॉकी से हॉकी खेलता था उस समय तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो इतने हायर लेवल तक जाएगा। उस समय पापा बिल्कुल खेल के खिलाफ थे, मैं भी पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई में ही अपना करियर बनाना था, तो उसको भी इसी इसी चीज में चाहते थे पापा की वो भी पढ़ाई करे, अपना करियर पढ़ाई में बनाए। पर हुआ क्या कि उसका जुनून कहीं और चला गया, लेके उसको हॉकी में लेके चला गया। पढ़ाई तो उसने लगभग कम कर दी थी, पढ़ता भी नहीं था इतना। और वो टूटी हॉकी कहानी ऐसी है कि टूटी हॉकी उसको उसके जो सीनियर्स होते थे जिन्होंने हॉकी खेली होती थी, जो जॉब कर रहे होते थे, उनके पास जो हॉकियां रहती थी टूटी, वो हॉकियां उसको देते थे। और वही टूटी हॉकी थी जिसे वो प्रैक्टिस करते, क्योंकि हॉकियों की मात्रा भी नहीं इतना ज्यादा, वो एक ही हॉकी को लेकर उसने पूरी प्रैक्टिस करी है, हॉकी से सीखा है कैसे जो भी हॉकी के गुण होते हैं उसी को आगे निकला। उसके पास जब उसने एकेडमी में जब गया, वो एकेडमी में जब ध्यानचंद सर ने उसको एकेडमी में लेके गए उसके खेल को देखते, वहां पे उसको एक न्यू हॉकी मिली जो एकेडमी से प्रोवाइड करते हैं, हॉकी जूते, बाकी उसके जूते भी सीनियर्स के होते थे, तो याद है मुझे फटे होते थे, सीनियर्स के जूते होते थे उसको मिलते थे, वो पहनता था। अगर बड़े होते थे जूते तो उसके अंदर कपड़ा या कुछ डाल के ताकि उसका वो पैरों में अच्छे से बन जाए, उसको जैसे तैसे मैनेज करता था। स्ट्रगल था, मुझे लगता था कि नॉर्मल है, चलेगा, थोड़े दिन बाद बंद कर देगा, पर नहीं, उसका जुनून कभी खत्म नहीं हुआ। वो वहां तक लेके गया उसको, हॉकी एकेडमी में गया, मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी में सर ने बहुत सपोर्ट किया उसको, बहुत सिखाया उसको, वहाँ छोटी छोटी बारीकियां अशोक ध्यानचंद सर ने सिखाई। वहां से वो इंडिया कैंप खेला, बाद में आपको स्टोरी पता ही होगी, उसके कॉलर बोन टूट गई थी जिसके कारण उसके ऑपरेशन तक की प्रॉब्लम है, बिकॉज कॉलर बोन के कारण उसका पेटों में जो आते होती है वहां पे छेद हो गया था, उसके ऑपरेशन तक की नौबत आ गई थी। और पापा को तो ये बता दिया था डॉक्टर ने कि हो सकता है कि ये ना बचे, मतलब सिचुएशन बहुत खराब थी, पर ठीक है उससे भी वो निकला है। उसने खाना वाना उसका बंद करा दिया था 18 दिन तक, सिर्फ दवाइयों पे वो था। तो ये सारी स्टोरी थी उसकी, और जो भी है अंत भला तो सब भला वाली चीज है। उस समय भी हमको लग रहा था कि नहीं सब ठीक होगा, ऊपर वाले ने सुनी सब कुछ ठीक हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ ऊपर वाले। आगे क्या उम्मीद है आपको? आगे उम्मीद है सर कि अभी वर्ल्ड कप आने वाला है, एशियन गेम्स आने वाला है, तो यही चाहते हैं कि सभी गेम में पार्टिसिपेट करें, और जो उसका सपना है हर गेम में उसको कुछ ना कुछ मेडल चाहिए। आज उसको यूथ ओलंपिक का मेडल उसके पास सिल्वर है, उसके पास एशियन गेम्स का मेडल है, उसके पास अगेन ओलंपिक का मेडल है, बट
उसने एक मेडल मिस किया है कॉमनवेल्थ का, जिसमें वो इंडिया टीम फोर्थ नंबर आई थी। उसका ये कहना है कि मैं जो टूर्नामेंट खेलूं उसमें मेडल लेके आऊं, मेरा ये सपना रहता है। अपनी वो पूरी कोशिश करता है, बाकी टीम गेम है, टीम बहुत अच्छा खेलेगी तभी जाके मेडल आएगा। मेरे साथ विवेक की बहन भी है और उनसे भी ये खुशी साझा करते हैं जो विवेक ने ओलंपिक में जो प्रदर्शन किया खेल का। जी क्या नाम है आपको? पूजा प्रसाद, कैसा लग रहा आपको कि विवेक इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है आज? मुझे बहुत खुशी है कि मेरे भाई आज बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच चुका है और आज हमने इंडिया टीम ने सिल्वर मेडल ब्रॉन्ज मेडल लेके आया और हम लोग बहुत अच्छे से इस खुशियों का खुशी का। तो चलिए इंद्रपाल, खुशी का माहौल लगातार देखने को मिल रहा है और विवेक सागर के घर पर भी खुशी का माहौल बना हुआ है।